प्रिय छात्रों, आज हम लोग अवयव चैप्टर के अंतर्गत अवयव के परिवर्त टॉपिक का अध्ययन करेंगे। देखते हैं डिफिनेशन। किसी अवयव ए के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अवयव को अवयव ए का परिवर्त कहते हैं, जिसे ए पर टी अथवा ए डैश से प्रदर्शित किया जाता है। किसी मैट्रिक्स ए के रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कहा जाता है। इसे ए पर टी अथवा ए पर डैश से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल, यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक 2x3 क्रम का अवयव है तो इसका परिवर्त ए पर टी ए ट्रांसपोज अथवा ए पर डैश बराबर हो जाएगा। यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाएगा। पहला पंक्ति में 1, 2, 3 है, इसे पहले स्तंभ में लिख दिया जाता है, और जो दूसरा पंक्ति में 4, 5, 6 है, इसे दूसरे स्तंभ में लिख दिया जाता है। यह ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 1, 2, 3, जो फर्स्ट कॉलम में वो फर्स्ट रो में वो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, जो सेकेंड रो में वो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा। एक 3x2 क्रम का अवयव है होगा। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल, यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक 3x3 क्रम का वर्ग अवयव है तो इसका परिवर्त ए पर टी ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट पंक्ति है उसे फर्स्ट स्तंभ बना दिया जाता है। 1, 2, 3 फर्स्ट पंक्ति में है, इसे फर्स्ट स्तंभ में लिख देंगे। फिर 4, 5, 6 सेकेंड पंक्ति में है, इसे सेकेंड कॉलम में कर देंगे। और ऐसे 7, 8, 9 थर्ड पंक्ति में है, तो इसे थर्ड कॉलम में कर देंगे। यहाँ पे ए का परिवर्त ये हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, अवयव 1, 2, 3, 4 इसका ट्रांसपोज यदि हम निकालेंगे, यहाँ पे डैश से या टी से डिनोट किया जा सकता है, तो इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो में है 1, 2 तो ये फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, और ये 3, 4 सेकेंड रो में है, फिर सेकेंड कॉलम में हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। परिवर्त के गुणधर्म, फर्स्ट प्रॉपर्टी है
यदि एक आवयू है तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए होगा। सेकेंड है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड है ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ पे ए और बी समान क्रम का अवयव होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए यदि ए एक m बाई n क्रम का अवयव है एक m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तथा b एक n बाई p क्रम का अवयव है तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे टी से या डैश से इसे डिनोट किया जा सकता है, इसे रिवर्सल रूल भी कहते हैं। फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम में। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसी तरह मान लीजिए कि यदि ए एक m बाई n क्रम का अवयव है तथा b एक n बाई p क्रम का अवयव है एवं सी एक पी बाई क्यू क्रम का अवयव है तो ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब मान लीजिए ए एम बाई एन आर्डर का एक मैट्रिक्स है, बी एन बाई पी आर्डर का एक मैट्रिक्स है और सी पी बाई क्यू आर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में ए इंटू बी इंटू सी का जो ट्रांसपोज होगा वह होता है इक्वल सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी तरह फोर मैट्रिक्स भी रहेगा तो उस पर ये अप्लाई नियम किया, चार या पाँच अभी भी रहेगा तो वहाँ पर भी नियम अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि ये वहाँ पर प्रोडक्ट निकालना संभव होगा तभी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स, प्रॉपर्टी सिक्स है कि यदि ए कोई अवयव है तथा के एक अदिश है या अचर है तो k इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाता है k इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे कोई अंक है या अदिश है तो उस कंडीशन में k इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाता है k और k इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाता है k इंटू ए का ट्रांसपोज। जैसे मान लीजिए a कोई अवयव है तो 3 इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा 3 ए का ट्रांसपोज, जबकि यहाँ पे ये कोई अवयव है, कोई मैट्रिक्स है। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम इस पे आधारित।
एग्जाम्पल, यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4 तथा बी इक्वल टू 5, 6, 7, 8 है तो सत्यापित करें कि ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, या इसे ऐसे भी दे सकता है ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान रखना है टी और डैश सेम चीज को डिनोट करता है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इक्वल टू 5, 6, 7, 8 देयरफॉर ए ट्रांसपोज निकालें तो ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 1, 2 फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में 1, 2 हो जाएगा। 3, 4 सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम में 3 और 4 हो जाएगा। और बी ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा 5, 6 फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा। 7, 8 सेकेंड रो में है ये सेकेंड कॉलम में हो जाएगा। अब हम ये निकाल लें ए बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ पहले ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी ए इंटू बी इक्वल टू तो ए का वैल्यू ले लेंगे। ए का वैल्यू यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 और इंटू बी का वैल्यू ले लेंगे 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 1 में 5 से होगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से हो गया फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से करेंगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ कर फिर दिया जाए तो 1 इंटू हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू हो जाएगा 8। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 7 हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 3 इंटू 6 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 8 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ए बी कैलकुलेट हो रहा है। ए बी का वैल्यू निकल रहा है यहाँ पे ए बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा 5 × 5 प्लस 14 यहाँ पे 6 प्लस 16 यहाँ पे 15 प्लस 28 और यहाँ पे 18 प्लस 32। इस तरह से हमें ए बी का वैल्यू पता हो जाएगा। ए बी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 5 और 14 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। 6 और 16 ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा। और 15 और 28 ऐड कर देंगे तो 8 और 5 13 कैरी 1, 2, 1, 3, 1, 4 43 हो जाएगा। और 32 और 18 ऐड कर देंगे 50 हो जाएगा। इस तरह से ए बी का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज हम कैलकुलेट करेंगे तो ए बी के ट्रांसपोज में फर्स्ट रो में यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा और सेकेंड रो में जो लिखा है 43 और 50 ये सेकेंड कॉलम में हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 बना देंगे। हमारा एलिसेस यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ए बी ट्रांसपोज निकल गया। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है हमको। यहाँ पे बी ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज का यहाँ पे वैल्यू है 5, 7, 6, 8 इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज से। ए ट्रांसपोज है 1, 3 और 2 और 4 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 5 × 1 हो जाएगा प्लस 7 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 5 × 3 हो जाएगा प्लस 7 × 4 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 6 × 1 हो जाएगा प्लस 8 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 6 × 3 हो जाएगा प्लस 8 × 4 हो जाएगा।
यहाँ से मेरा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे फाइव वन जब फाइव फाइव और फोर्टीन एड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 19। यहाँ पे फाइव थ्री जब फिफ्टीन फिफ्टीन और सेवन फोर जब 28 28 और 15 एड कर देंगे 43 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे सिक्स वन जब सिक्स और एट टू जब 16 16 और सिक्स एड कर देंगे तो 22 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे सिक्स थ्री जब 18 18 और एट फोर जब 32 32 और 18 एड कर देंगे हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन वन और टू से हम देख सकते हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। और हम इक्वेशन वन एंड टू समीकरण एक और दो से ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड सत्यापित हुआ। इस तरह से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में 2 मार्क्स में आया करता है, तो इसे आप इजली समझ गए होंगे हमें आशा है। यहाँ पे देखिए ए और बी का वैल्यू दिया रहता है, यहाँ ए का वैल्यू दिया था 1 2 3 4 और बी का वैल्यू दिया है 5 6 7 8 और आपसे कहा जाता है कि इसको आप वेरीफाई कीजिए कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसे जी के जगह पे डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ ए का वैल्यू है 1 2 3 4, बी का वैल्यू है 5 6 7 8, इसलिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट रो में 1 2 है तो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 1 2, 3 4 सेकंड रो में है तो सेकंड कॉलम में हो जाएगा 3 4। इसी तरह बी है 5 6 7 8, और तो बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए निकालेंगे हम तो जो 5 6 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, 7 8 जो सेकेंड रो में हो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा। अब हम ए बी निकाल रहे हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का वैल्यू है 1 2 3 4 और बी का वैल्यू है 5 6 7 8, और मल्टीप्लाई करके हम यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। इसलिए फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा LHS कैलकुलेट हो गया। अब RHS में जो लिखा है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बी ट्रांसपोज का वैल्यू है वही ए ट्रांसपोज का वैल्यू है, दोनों वैल्यू लिख करके और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर फिर से बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 19 43 22 और 50। इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन और वन टू से हम देख सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज का वैल्यू वही आया है जो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का आया है। इस तरह से हम इसे इजली वेरीफाई कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 7 2 5 9 है तो सत्यापित करें कि वेरीफाई करना है कि 3 इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 3 इंटू ए ट्रांसपोज। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सिंस ए इक्वल टू 7 2 5 और 9 ये दिया हुआ है, देयरफॉर 3a इक्वल टू 3 इंटू ए कर देंगे तो 3 इंटू ए मैट्रिक्स हो जाएगा 7 2 5 9। अब यहाँ पे किसी कांस्टेंट से अंदर मल्टीप्लाई करना है तो सभी एलिमेंट में किया जाता है, तो 3 से 7 में करेंगे 3 में 7 21 हो जाएगा, फिर 3 से 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 3 से 5 में करेंगे 15 हो जाएगा, और 3 से 9 में करेंगे तो 27 हो जाएगा, 9 3 से 27। ये हो गया हमारा 3a। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो देयरफॉर 3 into 8 ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, 21 और 6 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से इक्वेशन वन बना देना है, हमारा LHS यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब
आरचेस को कैलकुलेट करना है, 3 into a ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। Now, since a इक्वल टू फर्स्ट रो में लिखा है 7, 2 और 5, 9, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into a ट्रांसपोज इक्वल टू 3 into 7, 5, 2 और 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 7 में 21, 3 से 5 में 15, 3 से 2 में 6 और 3 से 9 में 27। ये हो गया 3 into a ट्रांसपोज का वैल्यू। इसे इक्वेशन 2 बना देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 into 3a का होल ट्रांसपोज हम कैलकुलेट किया, फर्स्ट में 21, 15, 6 और 27 आया और यहाँ पे 3 into a ट्रांसपोज कैलकुलेट किया, ये भी वही आया हुआ है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इक्वेशन 1 और 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 3 into a ट्रांसपोज इक्वल टू 3 into a का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 3 into a ट्रांसपोज वेरीफाइड। इस तरह से इसे हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 5 ही रहता तो यहाँ पे 5 आ जाता, 7 रहेगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे k रहेगा तो यहाँ पे k आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि a इक्वल टू 1, 3, 5, 7 तथा b इक्वल टू 2, 4, 6, 8 है तो सत्यापित करें कि वेरीफाई दैट फर्स्ट a प्लस b ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज और सेकेंड a माइनस b ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इसको करेंगे हम लोग, इसको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखते हैं सॉल्यूशन, फर्स्ट सिंस ए इक्वल टू 1, 3, 5, 7 देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, ए ट्रांसपोज में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 1, 3 फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, 5, 7 सेकेंड रो में है ये सेकेंड कॉलम में हो जाएगा और b इक्वल टू है 2, 4, 6, 8 देखो b ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, b ट्रांसपोज में फर्स्ट रो में जो लिखा हुआ है b में वो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 2, 4 और 6, 8 जो सेकेंड रो में लिखा हुआ है वो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा। अब देयरफॉर a प्लस b कैलकुलेट कर रहे हैं, a प्लस b इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पे 3 प्लस 4 और यहाँ पे 5 प्लस 6 और यहाँ पे 7 प्लस 8, ये हो गया a प्लस बी और यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 3, 7, 5, 6, 11 और
सेवन और एट एड कर देंगे 15, ये हमारा ए प्लस बी का वैल्यू आ गया। फिर इसका ट्रांसपोज, देयरफॉर ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज कैलकुलेट करें तो फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 और 7 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और सेकेंड रो 11, 15 है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। इस तरह से ए प्लस बी ट्रांसपोज हम इजली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर देना। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना, ए ट्रांसपोज का वैल्यू है और ए बी ट्रांसपोज का वैल्यू है, ए दोनों को ऐड करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, संगत अवयव को जोड़ देंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ 5 + 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 + 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7 + 8 हो जाएगा। यहाँ से ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कैलकुलेट किया जा सकता है, आ गया 2, 1, 3, यहाँ पे 5, 6, 11, यहाँ पे 3, 4, 7 और यहाँ पे 7, 8, 15, ये वैल्यू हो गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। इसे इक्वेशन 2 बना देंगे, अब देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज का वैल्यू आया हुआ है, इसमें फर्स्ट रो में 3, 11 और सेकेंड रो में 7, 15 और इक्वेशन 2 में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है उसमें है फर्स्ट रो में 3, 11 सेकेंड रो में 7, 15। देख सकते हैं दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसलिए समीकरण 1 और 2 से ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डैश भी आप लगा सकते हैं, ध्यान रखना वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड फर्स्ट, पहला हमारा सत्यापित हो गया। अब इसी तरह सेकंड को वेरीफाई करना है, सेकंड में हमको ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू लाना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो सेकंड को करने के लिए यहाँ पे जो प्लस किया गया है उसके जगह पर माइनस कर देंगे हम लोग और यहाँ पे भी जो प्लस हुआ है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज वहाँ पे माइनस कर देंगे तो सेकंड भी हमारा इजीली वेरीफाई हो जाएगा। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, उसे फ्यूचर में सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक्स।